गाजियाबाद में जनता क्या कह रही है, आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को कितना मिलेगा विश्वास, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद के ताज हाईवे पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि विपक्ष का ये स्टंट है या वास्तव में मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। क्या है कि मोदी सरकार में आज तक NH-24 जो है, NH-24 का विकास, NH-24 का निर्माण करा दिया तो लोगों की जो जिंदगी है वो आसान हो गई है। मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, लग रहा है कि विपक्ष अच्छा काम कर रहा है या फिर क्या देख रहे हैं आप? विपक्ष ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, उन्हें पता है कि 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, उससे कुछ दबाव बनाया जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार। बेहतर कौन है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। आइए, ये लोग भी हैं, तीन लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप लोग? यही रहते हैं गाजियाबाद में। ये बताइए, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है साहब, बढ़िया कर रही है। कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं इसे? अच्छे उससे देखना चाहिए। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है सरकार के खिलाफ, तो आप कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और विपक्ष यहाँ पर घेर रहा है सरकार को, इसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष की तरफ अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी में बेहतर कौन है? नरेंद्र मोदी बेहतर है। कौन बेहतर है? नरेंद्र मोदी बेहतर है। आइए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इधर आइए आप लोग, आइए। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में कौन बेहतर है? मोदी जी। नरेंद्र मोदी क्यों बेहतर है? ये कहती है झाड़ू नहीं लगी, ताज हाईवे पर लग रही है, ताज हाईवे पर झाड़ू लगती है इसलिए बेहतर है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, फायदा होगा विपक्ष को, राहुल गांधी को फायदा होगा इससे? कांग्रेस की वही हालत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि वह खुद घबरा रहे हैं कि अब हम आगे इलेक्शन में कैसे जाएंगे। अच्छा, इस वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आप बताइए, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि मैं चाणक्य नीति पढ़ता हूँ, और चाणक्य ने कहा था कि जब देश के सारे बेईमान इकट्ठे होकर खलबली मच जाए ना, तो सोच लो देश अच्छी तरक्की कर रहा है और राजा जो है ना वो बहुत ईमानदार है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? सही भी कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं थोड़ा। गलत क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हैं कि मजदूर आदमी की मजदूरी जा रही है, जो ठेली पे बैठे हैं किसी की हटा दी है, किसी को कुछ कर रहा है। राहुल गांधी और मोदी में बेहतर कौन है? अब देखो मोदी है अभी तो। ये है ABP News, आपको रखे आगे।